हेलो फ्रेंड्स, आज हम पार्ट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर के बारे में डिस्कस करेंगे। कौन से ट्रांसफॉर्मर के पार्ट्स हैं और ट्रांसफॉर्मर के जो भी पार्ट्स हैं उसका ट्रांसफॉर्मर में काम क्या है। पहले ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है वो हम देख ले। ट्रांसफॉर्मर आर यूज टू ट्रांसफर इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर का काम क्या है? ट्रांसफॉर्मर एनर्जी को ट्रांसफर करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है उसको ट्रांसफर करता है एक सर्किट से दूसरे सर्किट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से। उसका ट्रांसफॉर्मर का ये बेसिक सा डेफिनेशन है। दे आर यूज आइदर टू स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज लेवल्स। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है? वोल्टेज को स्टेप अप करता है या स्टेप डाउन करता है, उसका उपयोग ये है। यानी स्टेप अप वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है, स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए ट्रांसफॉर्मर का यूज होता है। अ ट्रांसफॉर्मर इज मेड ऑफ सेवरल डिफरेंट पार्ट्स दैट फंक्शन इन देयर ओन डिफरेंट वेज टू एनहेंस द ओवरऑल फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर काम क्या करता है? ट्रांसफॉर्मर के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं और अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स का अलग अलग काम होता है। क्यों? अलग अलग जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग काम करके ट्रांसफॉर्मर की जो ओवरऑल एफिशिएंसी है उसको इंक्रीज करते हैं। ट्रांसफॉर्मर के बहुत सारे पार्ट्स जैसे कोर है, वाइंडिंग है, इंसुलेटिंग मटेरियल है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल है, टेप चेंजर है, कंजर्वेटर है, ब्रीदर है, कूलिंग ट्यूब्स है, बकोज रिले है एंड एक्सप्लोजियन वेंट। ये इतने पार्ट्स है ट्रांसफॉर्मर के अंदर। अभी इन पार्ट्स का काम क्या है वो हम देखेंगे एक एक करके। पहले पार्ट्स को हम देख ले कोर। अभी कोर का काम क्या है, कोर क्यों यूज होता है ट्रांसफॉर्मर में वो हम देखेंगे। द कोर ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इज यूज टू सपोर्ट द वाइंडिंग। ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो वाइंडिंग के सपोर्ट के लिए यूज की जाती है। किसके लिए यूज की जाती है? वाइंडिंग के सपोर्ट के लिए उसका यूज किया जाता है। और ट्रांसफॉर्मर की जो कोर होती है वो सॉफ्ट आयरन से बनी हुई होती है। सॉफ्ट आयरन से क्यों बनाने का मकसद क्या है कि उसके सॉफ्ट आयरन से बनाएंगे तो जो ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो एडी करंट और हिस्टेरेसिस लॉस होगा वो क्या है, कम होगा। सॉफ्ट आयरन के बनाने से एडी करंट लॉस और हिस्टेरेसिस लॉस जो होता है वो कम होगा। और तीसरा काम क्या करता है कोर, कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए जो पार्ट चाहिए वो प्रोवाइड करता है, यानी लोड इलेक्ट्रॉन्स पार्ट प्रोवाइड करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को फ्लो होने के लिए। और ट्रांसफॉर्मर का जो थर्ड पार्ट है वो वाइंडिंग है। अभी वाइंडिंग का काम क्या है? वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्यों यूज की जाती है? वाइंडिंग किस चीज से बनी हुई होती है? वाइंडिंग कॉपर कॉइल से बनी हुई होती है। और जो कॉपर कॉइल से बनाने के वक्त उसको एक बंडल के तौर पर बनाया जाता है, उसको वाउंड करेंगे तो एक बंडल जैसा हो जाएगा। वाइंडिंग को वाउंड करेंगे तो, और वाइंडिंग जो होती है वो बेस्ड ऑन द इनपुट आउटपुट सप्लाई या प्राइमरी वाइंडिंग या सेकेंडरी वाइंडिंग या इनपुट वोल्टेज या सेकेंडरी वोल्टेज, इस बेस के हिसाब से ट्रांसफॉर्मर उसका फंक्शन है और उसको मैन्युफैक्चरिंग कैसे किया जाता है वो हमने देखा। अभी इंसुलेटिंग मटेरियल है। इंसुलेटिंग मटेरियल का काम क्या है वो हम देखेंगे। इंसुलेटिंग मटेरियल क्यों यूज की जाती है? इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पेपर्स आर यूज टू आइसोलेट प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग फ्रॉम इच अदर एज वेल एज द ट्रांसफॉर्मर कोर। इंसुलेटिंग मटेरियल है ट्रांसफॉर्मर का, वो क्यों यूज किया जाता है कि जो प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग है आइसोलेट करते हैं, यानी उसको अलग अलग रखते हैं, आइसोलेट करके अलग अलग रखते हैं। और जो इंसुलेटिंग मटेरियल होती है, इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक पेपर्स यूज टू आइसोलेट प्राइमरी या सेकेंडरी वाइंडिंग फ्रॉम द ईच अदर एज द ट्रांसफॉर्मर को। ये इंसुलेटिंग मटेरियल का काम है, क्या करती है कि प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग जो होती है उसको आइसोलेट करती है। ट्रांसफॉर्मर का एक और पार्ट है ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ट्रांसफॉर्मर ऑयल यूज करने का मकसद क्या है?
ट्रांसफार्मर ऑयल ट्रांसफार्मर क्यों यूज किया जाता है? द ट्रांसफार्मर ऑयल इंसुलेट्स एज वेल एज कूल्स द कोर एंड कॉइल असेंबली। ट्रांसफार्मर जो ऑयल है वो इंसुलेशन का भी काम करता है एज वेल एज जो ट्रांसफार्मर का कोर है और ट्रांसफार्मर की जो कॉइल है उसको भी कूल करता है यानी ठंडा करता है। द कोर एंड वाइंडिंग ऑफ द ट्रांसफार्मर मस्ट बी कम्प्लीटली इमर्ज इन द ऑयल दैट नॉर्मली कंटेन्स मिनरल ऑयल। जो ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग होती है वो ट्रांसफार्मर मस्ट बी कम्प्लीटली इमर्ज यानी जो ट्रांसफार्मर की कोर और वाइंडिंग है वो ऑयल के अंडर होनी चाहिए यानी ऑयल कम हो जाएगा ब्लास्ट होने की शक्यता है। इसकी वजह से ट्रांसफार्मर की जो ऑयल है ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग है और कोर है वो ट्रांसफार्मर ऑयल के अंडर होनी चाहिए। वो नॉर्मली हम देखते हैं कि जो ट्रांसफार्मर का ऑयल होता है वो मिनरल ऑयल से होता है। ट्रांसफार्मर का एक और पार्ट से कंजर्वेटर। अभी कंजर्वेटर का ट्रांसफार्मर में काम क्या है? फॉर कंजर्वेटर कहाँ लगा हुआ होता है? द कंजर्वेटर इज एन एयर टाइट मेटालिक सिलिंड्रिकल ड्रम फिटेड अबाउट द ट्रांसफार्मर दैट कंजर्व्स द ट्रांसफार्मर ऑयल। ट्रांसफार्मर का जो कंजर्वेटर पार्ट है वो एक मेटालिक सिलेंडर की जो उसका शेप होता है मेटालिक सिलेंडर का होता है। वो कहाँ लगाया जाता है कि जो ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट्स होता है जो मेन टैंक होती है देखो इट इज वेंटेड एट द टॉप एंड इज फिल्ड ओनली हाल्फ विद द ऑयल टू अलाउ एक्सपेंशन यानी वो ऊपर लगाया हुआ होता है और उसके अंदर जो ऑयल होता है वो हाफ होता है। क्यों हाफ होता है कि कभी कभी जो ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक है उसके अंदर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तो वह क्या एक्सपेंस करेगा एक्सपेंशन करेगा तो वो क्या है कंजर्वेटर टू एक्सपेंशन करेगा। कंजर्वेटर हम फूल रखेंगे तो ट्रांसफार्मर की जो मेन टैंक का जो ऑयल है उसको एक्सपेंशन होने की चांस नहीं मिलेगा। उसकी वजह से कंजर्वेटर का जो ऑयल है वो क्या है हम कम रखते हैं उसमें हाफ रखते हैं क्योंकि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन जो ऑयल का है वो अच्छी तरह से हो सके। हाउएवर द मेंटेनिंग ऑफ ट्रांसफार्मर विच द कंजर्वेटर इज कनेक्टेड इज कम्प्लीटली फिल्ड विद द ऑयल थ्रू अ पाइपलाइन। और ट्रांसफार्मर के जो मेन टैंक होता है वो हमेशा ट्रांसफार्मर के एक और पार्ट है ब्रीदर। ब्रीदर का काम क्या है? ब्रीदर को ट्रांसफार्मर में क्यों यूज किया जाता है वो हम इस पार्ट में देखेंगे। ब्रीदर जो होती है वो एक सिलेंड्रिकल कंटेनर होता है। उसका शेप क्या होता है सिलेंड्रिकल होता है उसके अंदर सिलिका जेल भरा हुआ होता है। अभी सिलिका जेल का काम क्या है विच इज यूज टू कीप द एयर इन द टैंक मॉइस्चर फ्री यानी सिलिका जेल क्या करता है जो एयर ट्रांसफॉर्म के टैंक एंटर्स होती है उसको वो मॉइस्चर फ्री करता है उसमें जो मॉइस्चर होता है उसको क्या एब्सॉर्ब कर लेता है। This is because the insulating oil when reacts with moisture can affect the insulation cause internal faults. अभी सिलिका जेल काम नहीं करता या उसको हमने नहीं लगाया तो वो क्या करेगा वो मॉइस्चर इंसुलेटिंग ऑयल में जाएगा उससे क्या होगा इंसुलेशन भी खराब हो सकता है और इंटरनल फॉल्ट भी ट्रांसफॉर्म के अंदर क्या है क्रिएट होता है। Which is why it is must keep the air free from moisture in the breather. इसकी वजह से हम ब्रीदर लगाते हैं क्योंकि जो हमारा कोई भी एयर जो जाता है ट्रांसफार्मर के अंदर वो मॉइस्चर फ्री जाए। When the air passes through the silica gel, the moisture contained are absorbed by the silica crystal. जब भी एयर सिलिका जेल से पास होती हुई जाती है तो जो अंदर जो सिलिका जेल होती है उसको मॉइस्चर को एब्सॉर्ब कर लें। टैप चेंजर। अभी ट्रांसफार्मर में टैप चेंजर होता है उसका काम क्या है? ट्रांसफॉर्मर हमको पता है कभी कभी हमको वोल्टेज ऊपर चाहिए या नीचे चाहिए तो टैप चेंजर की वजह से हम टैप को चेंज करके वोल्टेज को ऊपर या नीचे ले जा सकते हैं। बैलेंस वोल्टेज वेरिएशन विद इन द ट्रांसफॉर्मर यानी वोल्टेज को बैलेंस करने के लिए या उसको चेंज करने के लिए हम टैप चेंजर का यूज करते हैं। टैप चेंजर दो प्रकार के होते हैं एक तो होता है ऑन लोड टैप चेंजर एक होता है ऑफ लोड टैप चेंजर। अभी ऑन लोड ऑफ लोड में क्या फर्क है वो हम देखेंगे। In an on-load tap changer, tapping can be changed without isolating transformer from the supply. On-load tap changer में हम क्या कर सकते हैं कि transformer को हमको supply से isolate करने की ज़रूरत नहीं है। On-load में हम transformer को उसकी tap को change कर सकते हैं। Off-load में क्या करना पड़ता है? Off-load में
ट्रांसफॉर्मर नीड्स टू बी डिस्कनेक्ट फ्रॉम द सप्लाई। ट्रांसफॉर्मर को हमको डिस्कनेक्ट करना पड़ता है सप्लाई। ये ट्रांसफॉर्मर का जो टैप चेंजर है उसका काम है। बकौज रिले का काम क्या है, बकौज रिले क्यों यूज होता है वो हम देखेंगे। बकौज रिले बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन में भी ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ बकौज रिले और बकौज रिले कहाँ लगाया हुआ होता है। Bucows relay place over the connecting pipe that runs from the main tank to conservator tank. The Bucows relay sends the fall according within the transformer. Bucows relay को जो conservator और जो main tank होता है उसके बीच में जो pipe जाती है उधर Bucows relay को लगाया हुआ होता है। वो क्या करता है, कोई internal faults होता है transformer में उसको detects करता है। It operates by the gases emitted due to discombustion of transformer during the internal flow. और ये जो बकौज रिले होता है वो गैस ऑपरेटेड रिले है, क्या है, गैस ऑपरेटेड रिले है बकौज रिले। Does this device is used to send a turn particle to transformer from internal flow? ये जो उसका मेन फंक्शन है उसकी वजह से उसको यूज किया जाता है ट्रांसफॉर्मर में और वो ट्रांसफॉर्मर को से प्रोटेक्ट करता है। एक और है कूलिंग ट्यूब्स। कूलिंग ट्यूब्स का ट्रांसफॉर्मर में यूज करने का काम क्या है, क्यों उसको हम यूज करते हैं। उसके नाम के हिसाब से हम देखें तो ट्रांसफॉर्मर की जो कूलिंग ट्यूब्स है वो ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसको कूल करता है। द नेम हम देखें तो ट्रांसफॉर्मर के ऑयल को कूल करने का काम कूलिंग ट्यूब्स करती है। द सर्कुलेशन ऑफ ऑयल विद द ट्रांसफॉर्मर मे बी नेचुरल और फोर्स। तो कूलिंग ट्यूब के अंदर जो ऑयल ट्रांसफर ऑयल जो सर्कुलेशन होगा वो मे बी नेचुरल होगा या मे बी फोर्स होगा। ओके, इन केस ऑफ द नेचुरल सर्कुलेशन, जब नेचुरल सर्कुलेशन होगा और ऑयल टेम्परेचर राइजेज होगा तो क्या होगा, तो जो ऑयल नेचुरल जो ऑयल जो राइजेज हो रहा है उसका टेम्परेचर जो राइजेज होता है वो क्या होगा, तो हॉट ऑयल नेचुरली मूव्स ऑन द टॉप एंड कोल्ड ऑयल मूव्स डाउन। तो जो गर्म ऑयल है वो क्या है ऊपर जाएगा और जो ठंडा ऑयल है वो क्या है नीचे आएगा। ऑयल रेन कॉज फोर्स सर्कुलेशन एंड एटर्नल पंप इज यूज। जब हम फोर्स सर्कुलेशन यूज करेंगे तो उसके लिए हमको एक एटर्नल पंप यूज करना पड़ेगा ट्यूब्स के लिए। एक्सप्लोजिव वेंट का फंक्शन क्या है, क्यों हमको उसको यूज करते हैं। कभी कभी ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर का जो ऑयल है उसका टेम्परेचर क्या है हाई हो जाता है। क्यों हाई हो जाता है, उसमें कोई इंटरनल फॉल्ट हो जाता है। तो अभी हम जो ऑयल हॉट हो गया उसमें जो प्रेशर बना उसको निकालने के लिए हमको कोई एक और चीज चाहिए, वो नहीं होगी तो ट्रांसफॉर्मर क्या ब्लास्ट भी हो सकता है। तो जो भी इधर लिखा है देखें हम, द बॉइलिंग हॉट ऑयल फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मर एक्सपेल ड्यूरिंग इंटरनल फॉल्ट थ्रू द एक्सप्लोजन वेंट। जब बॉइलिंग हॉट ऑयल फ्रॉम द, जो बॉइलिंग हॉट ऑयल है वो किधर से एक्सपेल्ड होगा टू अवॉइड एक्सप्लोजन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो एक्सप्लोजिव एंड को यूज करेंगे उसके लिए। इधर सेफ्टी पर्स एक्सप्लोजन एंड को हम यूज करते हैं। दिस इज जनरली प्लेस अबाउट द लेवल ऑफ द कंजर्वेटर टैंक। वो जनरली जो कंजर्वेटर टैंक होता है